टाटा IPL 2023 का 16वां मुकाबला जो कि खेला गया मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जिसे मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से अपने नाम किया। दिल दहला देने वाले इस मुकाबले में दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 172 रन बनाए, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर ने 51 और अक्षर पटेल ने शानदार 54 रनों की पारी की। मुंबई में गेंदबाजी की बात करें तो वैन रॉक ने 3 ओवरों में 3 विकेट चटकाए। मुंबई की गेंदबाजी की बात करें तो वैन रॉक और पीयूष चावला ने 3 विकेट चटकाए और रिली मैड्रिथ ने 2 विकेट। 172 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने काफ़ी संघर्ष के बाद यह मुकाबला अंतिम गेंदों पर अपने नाम किया। मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा ने 46 गेंदों में शानदार 65 रनों की पारी खेली और तिलक वर्मा ने 29 गेंदों में 41 रन की शानदार पारी खेली। बात करें दिल्ली की गेंदबाजी की तो मुकेश कुमार, जिन्होंने 2 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट चटकाए।